फ्रेंड्स, क्लास 12। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर ये चैप्टर आपका हटा दिया गया था, बट इस ईयर आपका दोबारा से ये चैप्टर आपका ऐड कर दिया गया है। इसलिए इस चैप्टर में मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ आपकी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नेम है केमिस्ट्री अमेजिंग वर्ल्ड। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था और वहां पर आपको थोड़ा बहुत सॉलिड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई थी। यहाँ बात करेंगे सॉलिड में। सॉलिड की डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसका फिक्स शेप होता है, फिक्स टाइप होता है, और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है। आप 9th क्लास से अभी तक इवन इसके बारे में स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ते चले आ रहे हैं। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड से स्टूडेंट्स। सो क्लासिफिकेशन यदि हम बात करें तो सॉलिड यहाँ पर दो टाइप का आपका सॉलिड होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। सो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एक अरेंजमेंट के थ्रू लगे होते हैं, रेगुलर साइप रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी डायरेक्शन में इक्वली एक्सटेंड होते हैं। यदि हम उसे किसी भी प्रॉपर्टीज के तहत एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो सभी डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा। उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, लाइक सोडियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी फिगर देखिए। नीचे जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स एक सीरीज में, एक आपके सीक्वेंस में लगे होंगे, बिल्कुल इक्वली लगे होंगे। वहीं हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, ना ही कोई अरेंजमेंट होता है, और वो केवल शॉर्ट रेंज रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्लास की बात करें, सो स्टूडेंट्स, ग्लास की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा जब हम ग्लास को ब्रेक करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वे बिल्कुल अनशेप्ड होते हैं, अनरेगुलर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड में। अमॉर्फस सॉलिड में एक और टाइप भी बताया जाता है, वो है प्रेसिडो सॉलिड। तो प्रेसिडो का मतलब होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। जैसे ग्लास की हम बात करें तो ग्लास एक प्रेसिडो सॉलिड्स है, क्योंकि वो जो आपका वो बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है, एज इट फ्लो डाउन वेरी स्लोली, दैट्स वाई स्टूडेंट्स। इसके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। आपने देखा होगा जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स में जो ग्लास लगे रहते हैं उन ग्लास का कलर अपने आप ही चेंज होने लगता है, उनमें अपने आप ही दरारें आने लगती हैं और उनकी शेप जो है वो इररेगुलर रिप्रेजेंट होने लगती है। सो स्टूडेंट्स, वो होते हैं आपके प्रेसिडो सॉलिड्स, सुपर कोल्ड लिक्विड्स, और वो होता है ग्लास। इसके अलावा क्वार्ट्ज भी ये ग्लास की एक फॉर्म है जो प्रेसिडो सॉलिड्स में आती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की क्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड की भी और अमॉर्फस सॉलिड की भी। तो सबसे पहले अरेंजमेंट की बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज लॉन्ग डिस्टेंस तक भी सेम रहती हैं। दूसरा आपका अमॉर्फस सॉलिड है, उसकी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस में सेम रहती है, बट ज्यादा बड़ी डिस्टेंस के लिए उसका रेंज ऑर्डर चेंज होता जाता है। उसके बाद हम उसकी अगली प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मेल्ट करते हैं तो वो डेफिनेट टेम्परेचर पर ही मेल्ट होते हैं, यानी कि उनके इंटर पार्टिकल्स की जो स्पेसिंग होती है वो इक्वल होती है और बॉन्ड जो है वो सेम टेम्परेचर पर ही ब्रेक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करें यदि अमॉर्फस की, तो वो मेल्ट होता है और रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि उसमें टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं होता। उनके इंटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो अनइक्वल शेप के होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है वो अनइक्वल होता है, और उनके जितना भी सेम टेम्परेचर और उनके बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक नहीं होते। उसके बाद बात करते हैं अमाउंट ऑफ फ्यूजन, यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो उसे वन मोल सॉलिड को रिक्वायर्ड करता है मेल्ट करने के लिए। देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स, यदि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो वो डेफिनेट उनका टेम्परेचर रहता है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वहीं आप यदि अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो उनका इनडेफिनेट रहता है। उसके बाद बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। सो स्टूडेंट्स, यदि आप उसे कंप्रेस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो वो रिजिड होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी कि बिल्कुल दृढ़ होगा और बहुत कम कंप्रेस होता है। वहीं आप अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो वो जो है कंप्रेसिबल होता है कुछ एक्सटेंड तक, यानी कुछ जो है वो कंप्रेस होने की कंडीशन में होता है। उसके बाद बात करते हैं कटिंग विद अ शेप इज सूल। यदि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो वो स्मूथ प्लेन्स में जनरेटेड हो जाएंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हें इक्वली कट किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वहीं पर यदि हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो उनमें रफ प्लेन्स जनरेट हो जाते हैं, यानी कि वो इक्वली कट नहीं होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके
क्रिस्टल्स जो हैं वो अलग अलग इधर उधर दिखाई देते हैं। उसके बाद आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी की बात करते हैं, तो जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी जो होती है उनकी डायरेक्शंस पर डिपेंडेंट होती है। वहीं हम बात करें आपके अमॉर्फस सॉलिड की, तो वो आइसोट्रॉपिक होती हैं, यानी उनकी जो इररेगुलर साइड्स होती हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज को एवरेज आउट कर देती हैं, यानी कि वो जो डायरेक्शन है उनकी इंडिपेंडेंट होती है। सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री जो होती है एक तरीके से हम कह सकते हैं जो उनकी प्लेन होती है उस सरफेस पर डिपेंड करती है। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, पॉजेस करते हैं सिमेट्री, और जो आपके अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो सिमेट्री पॉजेस नहीं करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे और देखते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो जरूर लाइक किया करो, जो समझ में आया करो उसे कमेंट जरूर किया करो। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरफेशियल एजेस। तो स्टूडेंट्स जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो इंटरफेशियल एंगल्स रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा गामा, जबकि आपके जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो कभी भी इंटरफेशियल एंगल्स रिप्रेजेंट नहीं करते। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर फॉर फोर्स अमंग कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स दे आर डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट वन मॉलिकुलर सॉलिड्स। सो स्टूडेंट्स मॉलिकुलर सॉलिड्स आपको पता ही है कि वो सॉलिड्स आपके तीन टाइप में होते हैं, पोलर नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनकी प्रॉपर्टीज इनकी बॉन्डिंग एग्जाम्पल फिजिकल नेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको अलग अलग दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मॉलिकुलर सॉलिड्स में नॉन पोलर की। नॉन पोलर में आपका डिस्पर्सन और लंदन फोर्स होता है, आपने 11th क्लास में चैप्टर 4 में पढ़ा है लंदन फोर्स, सो इसे आप दोबारा से रिवाइज कर लेना। उसके बाद एग्जाम्पल बात करें तो इसमें आर्गन कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोजन आयोडीन कार्बन डाइऑक्साइड ये इसके नॉन पोलर के एग्जाम्पल हैं। फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। स्टूडेंट्स पोलर की बात करें तो पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसके एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड होती है। फिजिकल स्टेट इनकी भी सॉफ्ट होती है, ये भी इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ज्यादा लो नहीं होता है। स्टूडेंट्स उसके बाद बात करें हाइड्रोजन बॉन्डेड की, तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डेड से बिल्कुल हमें पता चला है कि इसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल वाटर या आइस। फिजिकल स्टेट इसकी हार्ड होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर ही होती है, और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। सो स्टूडेंट्स ये भी आप मॉलिकुलर सॉलिड्स को डिफाइन करें तो इनके तीनों टाइप्स के साथ आप डिफाइन करें, पोलर नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी कि वो सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं वो होते हैं मॉलिकुलर सॉलिड्स, उसमें आपके पोलर नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो स्टूडेंट्स अब इसमें कुछ और भी बात कर लेते हैं। देखिए डिस्पर्जन फोर्स जो होते हैं वो बहुत वीक फोर्स होते हैं, और ये सॉलिड्स में सॉफ्ट होते हैं, वो उनमें उन सॉलिड्स में होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। वहीं हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करें तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें वो उससे भी ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है पोलर से और नॉन पोलर से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सेकेंड टाइप आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड जो सब टाइप्स होते हैं उनके वो आयन्स मेनली बने होते हैं, उनका जो आपका स्ट्रक्चर होता है यानी कि बॉन्डिंग होती है उसमें वो कूलाम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। इसके एग्जांपल देख लीजिए सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक सल्फाइड कैल्शियम फ्लोराइड। ये जो आपका फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं हार्ड और ब्रिटाइल होते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये इंसुलेटर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट कंडक्टर भी होते हैं मॉल्टन स्टेट में, और एक्वस सॉल्यूशन भी फॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स यदि सॉलिड स्टेट है तो इंसुलेटर, मॉल्टन स्टेट है तो कंडक्टर, एक्वस सॉल्यूशन भी कंडक्टर्स होंगे, और ये मेल्टिंग पॉइंट हाई रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप आपका आता है मेल्टिंग सॉलिड। सो स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो मेल्टिंग सॉलिड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्डिंग जो है वो आपकी मेटालिक बॉन्डिंग होती है, एग्जांपल की बात करें तो आयरन कॉपर आपका सिल्वर मैग्नीशियम ये सब जो होते हैं आपके ये इनके एग्जांपल हैं। हार्ड बट मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन में भी कंडक्टर होते हैं जबकि सॉलिड में भी कंडक्टर होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। आपको पता ही है कि जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा फोर्स स्ट्रांग होते हैं, और ये आपका फेस ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग फेस ऑफ इंटरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं।
मेटल आपको पता है कि उनके बीच का जो फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और फोर्स होने की वजह से ही इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। फोर्थ टाइप की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। जैसे कि आपको पता चल रहा है नेटवर्क सॉलिड्स तो ये एटम से मिलकर बने होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है यानी कि दोनों के बीच का कंप्रोमाइज होता है। इसके एग्जाम्पल सिलिका ऑक्साइड, सिलिका कार्बाइड, कार्बन डायमंड जिसमें ये फॉर्म है, उसके बाद एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कार्बन ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट तो होता है आपका सॉफ्ट, बाकी सब है हार्ड, और कार्बन जो है ग्रेफाइट की फॉर्म में कंडक्टर होता है, ये एक एक्सेप्शन केस है, और बाकी सब इंसुलेटर हैं। इनका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और इसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपने लास्ट 11th क्लास में पढ़ा है, जहां पर कार्बन कंपाउंड्स पढ़े हैं वहां पर आपने डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज और उनके बीच का डिफरेंसेस भी पढ़ा है, वहां से आप इसे दोबारा से भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। सो क्रिस्टल लैटिस क्या है पहले ये समझ लीजिए, आपने लैटिस तो पढ़ा है चैप्टर 4 में क्लास में, बट यहां पर आप क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स का, चाहे वो एटम्स हो, आयन्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो वो होता है इसका क्रिस्टल लैटिस। बेसिकली क्रिस्टल लैटिस जो होती है वो पूरे सॉलिड के स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होती है। सो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस विच कैन बी रिपीटेड इन ऑल द डायरेक्शन टू जनरेटेड द एंटायर लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। और लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो होता है यूनिट सेल। अब स्टूडेंट्स आप देखोगे ये मैंने एक क्यूबिक बना रखा है और इसके जितने भी कॉर्नर हैं वो क्रिस्टल लैटिस है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई आयन प्रेजेंट होगा और वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है यूनिट सेल। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। आपको पता है स्टूडेंट्स जितने भी क्यूबिक या आपके क्यूबिक फॉर्म होते हैं वो सब बहुत सारी लैटिस को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके पैरामीटर्स और उनकी यूनिट सेल्स को भी वरिंग करते हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो एज लेंथ होती है वो, यदि हम इस स्ट्रक्चर के बेस पर जाएं तो एज लेंथ 3 होती है क्यूबिक की, हमने लाइट कर ली एबीसी। इंटरफेशियल एंगल्स की बात कर ले तो वो अल्फा बीटा गामा। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, जहां पर आपका एबी लिया हुआ है वहां गामा है एंगल, जहां पर एसी है वहां पर बीटा है, आपका बीटा है एंगल, और जहां पर सीबी है वहां अल्फा है एंगल। बहुत ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद लोकेशन ऑफ एटम्स की, आयंस की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये सब जितने भी लोकेशंस होती हैं एटम्स की ये रिप्रेजेंट होती हैं आपके एंगल से और साइड से, और इंटरफेशियल एंगल्स पे भी डिपेंड करती हैं। व्हाई वेरिंग फर्स्ट टू पैरामीटर्स वी गेट 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम्स। और ये जो शू के 2 पैरामीटर्स होते हैं ये 7 टाइप की यूनिट सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। अब मैं एक एक करके एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ लेना है। क्रिस्टल सिस्टम जो है वो आपके 7 टाइप्स हैं, और एज लेंथ भी उसको इंटरफेशियल एंगल्स के बेस पर भी डिपेंड किया गया है। वन बाय वन करके देखिए, जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल हो वो होते हैं आपके क्यूबिक। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जिसकी तीनों साइड तीनों लेंथ यानी कि और तीनों इंटरफेशियल एंगल्स इक्वल होते हैं, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, 90 डिग्री होता है तो वो होगा क्यूबिक। यदि हम बात करें दो साइड ए और बी इक्वल बट सी इज नॉट इक्वल और तीनों एंगल इक्वल है तो वो होता है आपका टेट्रागोनल। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं तो देखिए, यदि तीनों साइड इक्वल नहीं होंगी बट तीनों एंगल इक्वल होंगे तो वो होगा आपका ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। उसके बाद तीनों साइड इक्वल बट आपके दो एंगल तो ये 90 होंगे बट तीसरा एंगल 90 नहीं हुआ तो वो होता है आपका ट्राइगोनल शेप। आपको पैसे भी पता है स्टूडेंट्स, दो एंगल 90 हो सकते हैं आपके रोम्बोहेड्रल में दो एंगल 90 हो सकते हैं पर तीसरा एंगल 90 नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करने का बिल्कुल तरीका बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद बात करते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आपके दो साइड इक्वल हैं पर तीसरी साइड इक्वल नहीं है, दो एंगल 90 होते हैं, तीसरा एंगल 120 होता है। मोनोक्लिनिक की बात करें तो तीनों साइड ही अनइक्वल होती हैं, और अल्फा बीटा जो है वो एंगल 90 डिग्री बट अल्फा और आपके जो अल्फा और बीटा है वो 90 डिग्री बट गामा जो होता है वो 90 नहीं होता है। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो इसमें आपके तीनों साइड इक्वल नहीं होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होते, यानी कि वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। अब स्टूडेंट्स इसे सिंबल से याद कर सकते हैं, देखिए सी टी ओ टी एच एम टी। अब मैंने यहां पर एक एक वर्ड ले लिया, सी से कोरोना, टी से टू, ओ से और, आर से रो, एच से हस, एम से मत और टी से तू, यानी कोरोना तू और रो, हस मत तू,
इस तरीके से आप आज के वर्डों में बहुत इजीली इसके सातों के नाम एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। देखिए सी टी ओ टी एच एम टी, कोरोना तू और रो हस मत तू। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इनकी ट्रिक बनाकर आसानी से सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं, सेवन टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, उनके फोर सब टाइप्स भी होते हैं। सिंपल सिंपल ये आपका सिंपल होगा, ठीक है। फिर बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ए सेंटर्ड, इन तीनों के बारे में आप चारों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि चार हैं, सात टाइप्स हैं, तो आपकी टोटल 28 होनी चाहिए, यानी कि 28 लैटिस होनी चाहिए। बट स्टूडेंट्स कुछ इसमें जो आपका एक्सेप्शन केस है, टोटल 14 लैटिस पॉसिबल होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रेवलर लैटिस। 14 लैटिस पॉसिबल होती है केवल आपके चारों टाइप में, जिन पे हम बात करते हैं, जिन्हें बोलते हैं ब्रेवलर लैटिस, ब्रेवलर लैटिस। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए लोकेशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल की बात करेंगे वन बाय वन, एक एक करके। सिंपल क्यूबिक की बात कर लेते हैं, तो सिंपल क्यूबिक जो होता है वो एटम और आयंस प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली, जिनमें एटम और आयंस आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, वो सारे सब्सटेंस आपके सिंपल क्यूबिक होते हैं। अब जैसे इसी बात करें तो देखिए टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1/8 पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि उसमें केवल एक एटम प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबिक में। बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, देखिए इसमें एटम और आयंस जो है आपके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, प्लस बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं, तो एक बॉडी पर हो गया और एक आपका कॉर्नर पर मिलाकर बन गया 8 × 1/8 से। इस तरीके से बॉडी सेंटर में दो एटम प्रेजेंट होते हैं। जितने भी इसके तीन टाइप है, बीसीसी आपके यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, टेट्रागोनल क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक, ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं बीसीसी के आपके, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। पहले वाले का सिंपल का केवल एक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फेस सेंटर्ड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एटम और आयन जो है वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर फेस पर जो वैल्यू होती है उसकी 1/2 होती है और आपकी कॉर्नर पर 1/8 होती है। सो दैट इज 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 इज इक्वल टू 4 एटम्स। इस तरीके से एफसीसी में 4 एटम होते हैं। आगे भी इसके बारे में और समझाऊंगा आपको। इसके केवल दो टाइप्स स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज सेंटर या एंड सेंटर्ड के बारे में। तो स्टूडेंट्स एटम और आयंस इसमें कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं और केवल दो अपोजिट फेसेस होते हैं, टू टाइप्स कंटेन करते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। अब इसमें ऑर्थोरोम्बिक के चारों टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्थोरोम्बिक जो आपका वो मेन है वो आपके चारों टाइप में प्रेजेंट होता है, सिंपल में भी, बॉडी सेंटर्ड में भी, फेस सेंटर्ड में भी और एस सेंटर्ड में भी। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन बात करते हैं डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स कॉर्नर एटम जो होते हैं आपके, उसमें 8 कॉर्नर एटम होते हैं किसी भी क्यूब में। हर एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, शेयर्ड होता है 8 यूनिट में। सो इट कॉन्ट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल इज 1/8। हर कॉर्नर का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपके यूनिट सेल के लिए। फेस सेंटर की बात करें तो आपके टोटल क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और हर फेस 2 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है। सो इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर की। देयर इज 1 बॉडी सेंटर इन अ क्यूब, हर एक में एक बॉडी सेंटर होता है और होल ऑफ द एटम इज फाउंड इनसाइड द यूनिट सेल। एक यूनिट आपका इनसाइड यूनिट सेल में मिलता है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 होता है। एज सेंटर की बात करें तो क्यूबिक में आपने पढ़ा भी होगा कि 12 एज होती है, हर एज जो है वो 4 यूनिट सेल शेयर्ड करता है। इस तरीके से जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1 यूनिट सेल के लिए वो 1/4 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जिसमें आपकी तीनों ही एज इक्वल होती हैं, तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज स्फीयर्स टच ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं। एटम एंड आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। ए क्या है यहाँ पर, एज लेंथ, आर है रेडियस ऑफ स्फीयर, ए इज इक्वल टू 2r होती है। स्टूडेंट्स इसकी जो एज लेंथ होती है वो रेडियस की डबल के इक्वल होती है। अब एक दो तीन छोटी टर्म की बात करते हैं रैंक की। तो रैंक होती है इट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स इन 1 यूनिट सेल। रैंक जो होगी वो उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होती है लगभग। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यदि 8 स्फीयर्स यूज हुए हैं 8 कॉर्नर्स पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा यूनिट सेल के लिए वो 1/8 होगा। रैंक हो जाएगी 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। इफेक्टिवली देयर इज ओनली 1 स्फीयर इन 1 यूनिट सेल। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब एक दो टर्म की बात और बात कर लेते हैं इसी में। देखिए स्टूडेंट्स, पैकिंग फैक्टर, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है जी, आपको सभी में कैलकुलेट करने के लिए मिलेगी। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्पेयर इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं स्पेयर्स, उसे बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इन वन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है, 4/3 πr³। इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पेयर हो गया जेड, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हो गया जेड इंटू 4/3 πr³ हो। सो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड इंटू 4/3 πr³ / a³। सो इस तरीके से आप पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ जो आपका जेड की वैल्यू होती है, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पेयर जो होते हैं वो 1 होता है और ए इज इक्वल टू 2r होता है, यानी एज लाइन जो होती है वो रेडियस की डबल होती है। अब हम यहाँ पर ए और जेड की वैल्यू पुट कर देंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 × 4/3 πr³ / 2r³³। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी π/6। वैल्यू इसे शॉर्ट आउट कर लेंगे, पाई की वैल्यू पुट करके तो आंसर आ जाएगा 0.52। इसका मतलब 52%। अब 52% का मतलब क्या, उसे समझ लीजिए कि सिंपल जो आपका सिंपल क्यूब है उसमें केवल स्पेस जो है वो 52% कवर होगा स्टूडेंट स्पेयर से, और बाकी स्पेस खाली रहेगा और वो खाली स्पेस कहलाता है आपका वॉइड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात कर लेते हैं बीसीसी के बारे में, उसकी रैंक और पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। जो जो स्पेयर्स होते हैं आपके बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, उसमें एक कॉर्नर पर होता है और बाकी बॉर्डर बॉडी सेंटर पर होते हैं, यानी 8 × 1/8 = 1 + 1 = 2। जेड की वैल्यू होगी 2 और यहाँ की क्यूब की बात करें तो इसकी रेडियस होती है 4r = √3a, यानी r = √3/4a। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं, a = 4r/√3। अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि जो स्पेयर्स होते हैं वो बॉडी डायगोनल में एक दूसरे को टच करते हैं, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल हो जाएगी a√3, तो रैंक की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक है स्पेयर्स, अब देखिए 8 × 1/8 + 1 × 1 = 2 का मतलब क्या है, 8 होगा स्पेयर्स ऑफ कॉर्नर, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन एट अ स्पेयर एट कॉर्नर, 1 हो गया स्पेयर एट बॉडी सेंटर, 1 हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पेयर एट बॉडी सेंटर। इस तरीके से आप रैंक कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू आ गई 2। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं पीएफ की, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बॉडी सेंटर का, वही फॉर्मूला लगाएंगे z × 4/3 πr³/a³। जेड की वैल्यू 2 पुट कर दी, ए की वैल्यू 4r/√3 पुट कर दी, सॉल्ट मल्टीप्लाई कर गया, सॉल्ट आउट करके आ गया π√3/8। वैल्यू पाई की वैल्यू पुट करेंगे, रूट थ्री की वैल्यू पुट करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा 0.68 और इसका पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 68%। इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड में 68% स्पेस कवर होता है स्पेयर से, और इसके अलावा जो भी प्रेजेंट होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं वॉइड। सो स्टूडेंट्स, यहां तक आपको बीसीसी के पैकिंग फ्रैक्शन का स्टडी करना है। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, केमिस्ट्री अमेजिंग वर्ल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ एंड एंजॉय विद योर फैमिली, गुड बाय स्टूडेंट्स।